पूरे देश में क्या क्या बंद है? पूरे देश में ये सब बंद, बंद मॉल, प्लेन बंद, ट्रेन बंद, होटल बंद, हेयर सलून बंद, जिम बंद, रैली प्रदर्शन धरना नहीं, थूकने पर पाबंदी, जुर्माना, बाहर केवल सुबह 7 से शाम 7 निकल सकते हैं, शाम 7 से सुबह के 7 12 घंटे आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। ये जरूरी कामों के लिए भी है। आप अगर अपने घर का दूध, ब्रेड, अंडा, सब्जी, फल खरीदने अगर 7 बजे के बाद जाते था कोई, अब नहीं जा सकते हैं आप। ये सब काम आपको सुबह 7 से शाम 7 के बीच कर लेना है। मेडिकल इमरजेंसी हो तो अपने घर से आप निकल सकते हैं, इजाजत अगर किसी काम की प्रशासन से मिली उसके लिए जा सकते हैं, अन्यथा आम लोगों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे तक निकलने पर पूरे देश में पाबंदी है। और यह पाबंदी ऑरेंज जोन पर भी लागू होती है और ग्रीन जोन पर भी लागू होती है, केवल रेड जोन पर नहीं। तो ये लोग ना समझें कि अगर उनका इलाका जो है वो पाबंदी वाले इलाके में नहीं है तो वो कभी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ जहां पर भी कमर्शियल एक्टिविटी को इजाजत दी गई है वहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक ऑफिस के अंदर। और अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो आप 33% स्टाफ के साथ ही काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें बंद हैं। फिर देख लें आप, पूरे देश में फिलहाल सब कुछ, इनमें से सब कुछ बंद है। मॉल्स पहले की तरह बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है पूरे देश में, रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, शहर में मेट्रो नहीं चलेगी, ग्रीन जोन में भी नहीं चलेगी, हवाई जहाज नहीं चल रहा है, अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद है। इंटर स्टेट ट्रैवल आप ऐसे समझ लें, इंटर स्टेट ट्रैवल पूरी तरह बंद है।